बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल ऑक्सफोर्ड लर्निंग। एंड टुडे आई एम हियर टू ड्रॉ द सर्कल विद द हेल्प ऑफ टोटल ग्राफिक्स। एज वी ऑल नो, वी आर टीचिंग पाइथन इन क्लास 8, सो दैट इज़ व्हाई आई एम प्रिपेयरिंग द वीडियो टू हेल्प ऑल द स्टूडेंट्स एंड टीचर्स। एंड इंशाल्लाह ताला आई विल शेयर ऑल द शेप्स कि आप तमाम शेप्स कैसे बना सकते हैं और इजी वे के साथ कैसे बना सकते हैं। इट्स रियली नॉट डिफिकल्ट, बट इफ़ यू अंडरस्टैंड द बेसिक थिंग्स ऑफ द टर्टल ग्राफिक्स, देन यू कैन ड्रॉ वट एवर यू वॉन्ट टू मेक। बहुत अच्छी और अच्छी किस्म की ड्राइंग्स और तमाम चीज़ें जो है वो आप ड्रॉ कर सकते हैं, और आपके स्टूडेंट्स के कॉन्सेप्ट जो हैं वो बहुत ही क्लियर हो जाएंगे, और एग्जामिनेशन में भी अगर कोई भी शेप उनको आती है दे कैन ड्रॉ इट। सो द फर्स्ट थिंग इज़, मैं एक छोटी सी वीडियो आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ, एंड दिस इज़ अबाउट द सर्कल, और एक सिंपल सी चीज़ है, हम इससे पे जो है वो काम करेंगे। ये सबसे पहली बात तो ये है कि आपके पास पाइथन प्रोग्राम तो सबके पास इंस्टॉल होगा, और जिनके पास नहीं है वो फर्स्ट ऑफ ऑल पाइथन इंस्टॉल कर लें, और मेरी वीडियो यहाँ पे है अपलोडेड जिसमें मैंने मेथड बताया कि कैसे आप पाइथन को इंस्टॉल कर सकते हैं अपने सिस्टम में। तो मैं यहाँ पर पाइथन का जो है शेल वो ओपन करने लगी हूँ, और उसके बाद मैं आपको दिखाती हूँ कि आप किस तरह से उसके ऊपर काम कर सकते हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल जस्ट ओपन द पाइथन शेल हियर, और मैंने अपना जो ये प्रोग्राम है इसको मैंने टास्क बार के ऊपर पिन किया हुआ है, ताकि मैं, क्योंकि मैं ज़्यादा यूज़ करती हूँ ये और एलिस, सो दैट इज़ व्हाई आई हैव पिन्ड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रोग्राम्स ऑन माय बार। एंड नाउ आई एम गोइंग टू ओपन इट। आप देख सकते हैं कि इसको मैं ओपन करूँगी। मेरी इसमें शेल में थोड़ा सा इशू आ रहा था, लेकिन अभी जो है वो मैंने उसको सॉल्व कर लिया हुआ है। तो यहाँ से मैं अपनी विंडो ओपन करूँगी, पाइथन का शेल जो है वो उसको ओपन करूँगी, ताकि मैं टर्टल ग्राफिक्स जो है वो बहुत ही क्लियरली आपको बता सकूँ इसके थ्रू। इसको हम क्लोज करके नीचे हम अपना शेल ओपन करते हैं, जहाँ पे हम अपनी कमांड्स टाइप करेंगे। और सबसे पहले मैं इसका जो है वो रीसाइज इसको कर लेती हूँ, ताकि हमें दोनों चीज़ें जो हैं वो बिल्कुल क्लियर हों हमारे साथ, जो जहाँ पे टर्टल मूव करेगा वो वाली विंडो और ये विंडो जो है वो दोनों विंडोज़ हमारे पास एक वक्त में आती जाएँ, कि जैसे हम कमांड टाइप करें तो हमारे पास विंडो आए। तो इम्पोर्ट टर्टल जो है सबसे पहली कमांड होती है टर्टल को अपीयर करने के लिए। इफ़ यू वॉन्ट टू अपीयर योर टर्टल ऑन द स्क्रीन, फर्स्ट थिंग इज़ योर इम्पोर्ट टर्टल। उसके बाद मैंने टी इज इक्वल टर्टल डॉट टर्टल ब्लैंक ब्रैकेट्स, तो मैंने ये चीज़ें लिखी हैं कि इसलिए ताकि मैं टर्टल की एक लंबी जो है टाइपिंग की बजाय मैं टी को वहाँ पर टाइप कर सकूँ, और इसके लिए मैंने यहाँ पर दोबारा से ये चीज़ कर रही हूँ। मैं इम्पोर्ट टर्टल से हम स्टार्ट कर रहे हैं। पीछे कुछ एरर आ गया था इसमें, वो मेरी ही मिस्टेक थी, स्पेस की जो अगर एक स्पेस नहीं दे रही थी तो वहाँ पे एरर आ रहा था। तो मैं तमाम चीज़ें विदाउट एडिटिंग आई शो विद यू, क्योंकि आपके साथ भी ऐसे मसाइल आ सकते हैं। तो यहाँ पे जो है वो मैंने टी इज़ इक्वल टर्टल डॉट टर्टल और एक ब्रैकेट को जो है वो ब्लैंक छोड़ दिया हुआ यहाँ पर। तो अब यहाँ से हमारी जो टर्टल विंडो है वो अपियर होना शुरू हो जाती है। इम्पोर्ट टर्टल के बाद जब हम ये कमांड देते हैं इम्पोर्ट टर्टल, तो हमारी जो टर्टल की विंडो है वो क्लियर हमारे सामने आ जाती है। ये देखें, अभी जो टर्टल की पोजीशन है वो होम पर है, जो डिफ़ॉल्ट पोजीशन होती है जब हम पहले से कोई भी कमांड दिए बगैर टर्टल को स्टार्ट करते हैं, तो उस पोजीशन को हम होम पोजीशन कहते हैं, और ये होम पोजीशन पे हमारे सामने मौजूद है इस वक्त। तो मैं ये दोनों विंडोज़ को एडजस्ट कर लूँगी अच्छे तरीके से, ताकि जो है वो टर्टल की मूवमेंट और हमारी कोडिंग दोनों के साथ जो है हम कोऑर्डिनेट कर सकें, और उसके अलावा जो है वो आपको तमाम कमांड्स जो हैं वो क्लियरली नज़र आ जाएँ। यहाँ मैं आज ड्रॉ करूँगी सर्कल। सर्कल के लिए हम जो कोडिंग यूज़ करते हैं वो सर्कल ही है, और इट्स रियली इजी। आपको सिर्फ एक बात माइंड में रखनी है कि आपको अपने जो है इसका एस्टीमेट पॉइंट्स का पता हो कि आपने कितना बड़ा सर्कल बनाना है। और यहाँ पर मैं एक कमांड लिखती हूँ कि टी से मेरा मतलब है कि जो है टर्टल, राइट। तो मैं यहाँ पर टी डॉट सर्कल जब करती हूँ, मैंने 10 और 20 अगर करूँगी तो
बहुत ही स्मॉल सा देखें सर्कल बन के आ गया है, 50 करूँगी तो थोड़ा सा बड़ा बन के आ गया हमारे सामने। तो इस तरह से हम बहुत ही इजी वे में हम बना सकते हैं। अब मैं रीसेट कर रही हूँ कमांड को, टर्टल डॉट रीसेट, टी डॉट रीसेट, मैंने ब्रैकेट नहीं लगाया तो मेरे पास एरर आया है। तो यहाँ पर मैं करती हूँ टी डॉट रीसेट एंड देन यहाँ पर इसको ब्लैंक करके, देखिए आपकी होम पोजीशन पे दोबारा वापस आ जाएगा आपका जो टर्टल है, बिल्कुल तमाम चीज़ों को इरेज करने के बाद उसको रीसेट कर देगा और हमारे सामने इस फॉर्म में मौजूद होगा। अब हम यहाँ से जो है वो फिर से करते हैं सर्कल को ट्राई। एक्सपेरिमेंट जो है ना वो बहुत ही अच्छी, क्योंकि मैंने खुद ये एक्सपेरिमेंट से ही किया सारा कुछ कि किस तरह से आप डिफरेंट चीज़ें बना सकते हैं। मैंने यहाँ पे 100 का सर्कल लिया है तो देखें उसका जो है आप साइज़ देख सकते हैं कि आपको विजिबल भी है और बन रहा है यहाँ पर। यहाँ पर मैं बनाती हूँ एक स्मॉल सर्कल, या मैं इसको माइनस में अगर ले जाऊँगी तो इसकी रोटेशन चेंज हो जाएगी, जो हमारा टर्टल है वो रोटेट करेगा क्लॉकवाइज एंड एंटी क्लॉकवाइज के लिए। एंटी क्लॉकवाइज अगर किया तो माइनस तक लेके गया है, आप देखेंगे माइनस करेंगे तो डायरेक्शन चेंज हो जाएगी। मैं दोबारा से इसको कर रही हूँ टर्टल डॉट रीसेट, तो यहाँ पर हमारा टर्टल जो है वो सेंटर में होम पोजीशन पर आ गया है। अब हम कुछ सर्कल्स ड्रॉ करते हैं, कुछ शेप बनाते हैं, जस्ट रैंडमली हम चीज़ों को बनाते हैं। मैं कहती हूँ टर्टल डॉट सर्कल, और सर्कल को बना देंगे हम, ले लेते हैं 150 का एक सर्कल बनाते हैं, जैसे हम 150 का और 180 डिग्री, ये एक सेमी सर्कल बनेगा हमारा। ये देखें ये ऊपर चला गया है, ये एक सेमी सर्कल बनेगा। मैं 100 पे करती तो ये मेरी स्क्रीन के ऊपर नज़र आता मुझे, और या मैं स्क्रीन मैक्सिमाइज़ करूँगी तो आई विल सी इट। एक सेमी सर्कल की फॉर्म भी इस तरह से बन सकती है अगर आप बनाना चाहें तो। मैं दोबारा से इसको कर रही हूँ टर्टल डॉट रीसेट, और अब यहाँ पर हम एक प्रॉपर सर्कल ड्रॉ करते हैं कि हम किस तरह से जो है वो एक प्रॉपर सर्कल बना सकते हैं, लाइक दिस के टी डॉट सर्कल। इसमें हम 100 का एक सर्कल बनाते हैं, ये देखिए एक प्रॉपर शेप में 100 का एक सर्कल आपके सामने बन गए। अब इसके बाद हम एक इसके अंदर एक छोटी सी डिज़ाइनिंग करते हैं, तो हम टी डॉट सर्कल को 50 करते हैं, मींस इसका हाफ जो है वो हम इसमें ड्रॉ करना चाहते हैं। तो टी डॉट सर्कल आप ब्रैकेट में 50 लिख दीजिए। मैं एक्चुअली बहुत लंबी कोडिंग के अलावा यहाँ पे बहुत ही सिंपल सी कोडिंग के साथ आपको समझा रही हूँ, आप इससे बहुत सारी शेप्स भी बना सकते हैं। मेरी इसमें चैनल पे आपको तमाम शेप्स की वीडियोस मिल जाएंगी इंशाल्लाह ताला, और आप अपना काम बहुत ही आसानी से कर सकते हैं। इट्स रियली हेल्पफुल फॉर यू ऑल। तो यहाँ पर एक छोटा सर्कल बनाया है जो कि 25 का है, और यहाँ पर मैं इससे भी एक छोटा सर्कल बना रही हूँ, 14 का होगा। तो देखें अभी एक शेप बन गई है हमारे सामने। तो इनमें फिलिंग कैसे करते हैं वो भी मैं आपको जो है वो नेक्स्ट वीडियोस में इंशाल्लाह ताला बताऊंगी। अब मैं इसको एंटी क्लॉकवाइज जो है वो माइनस के साथ ना इसको मैं ये इसकी रोटेशन चेंज करूँगी। ये देखें एक और सर्कल हमारा माइनस के साथ बन गया है। नाउ वी आर गोइंग टू मेक एन अदर सर्कल अगेन माइनस के साथ, क्योंकि हमें इस नीचे वाले सर्कल के अंदर बनाने, तो माइनस 50 के साथ हम ये वाली शेप ड्रॉ कर लेते हैं। एंड इसके बाद नेक्स्ट में जो चीज़ है वो 25 है, तो 25 को जो जितनी भी हमने ऊपर वैल्यूज़ दी हैं उन तमाम वैल्यूज़ को हम माइनस में ले जाते हैं, तो हमारी सेम शेप्स जो है ना वो दोनों जगह पर बन जाएंगी। यहाँ पर हमारे पास एक 14 का रह गया, तो वी एंटर माइनस 14 एंड देन यू कैन सी दैट द सर्कल इज़ कम्प्लीट नाउ। दिस शेप आपके सामने कम्प्लीट शेप बन गई है, और ये बहुत ईजी है। आई होप कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। अब मैं रीसेट करती हूँ और दोबारा से जो है वो देखें एरर आ गया है। मैं इसको रीसेट को के साथ ब्रैकेट नहीं जो है वो एंटर की, तो इस वजह से ये चीज़ आ गई। सो वी जस्ट डू लाइक दिस। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।